तो ध्यान से देखिए शख्स को, अभी ये सोया हुआ है। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, तुम्हारे साथी सब उठ के चले गए और तुम यहीं पे लेटे हो अभी, उठ जाओ। अरे रेडी होना है, चलो चलो यार, उठो, चलो चलो, देखो कब और रिया रेडी होगी, कब की और तुम अभी सोई पड़ी, उठो 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 उठो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड आप लोगों को पता है इतनी जोर जोर से जो है ना वो ऐसे करके कॉल्स हो रहा है, तो आज हम लोग जा रहे हैं कुर्मिला के कुल्लू। तो कुल्लू जाने से पहले सबके सब लोग जो है तैयार हो रहे हैं, और मेरे को आप यहाँ पे देख सकते हैं लगा दिया भाई कुकिंग के लिए, और मैं काट रहा हूँ यहाँ पे सब्जियाँ, क्योंकि सब लोगों ने वो बोलते हैं ना एक जैक लगाते हैं जिसे पंप भरते हैं कि आप मैगी बड़ी अच्छी बनाते हो, तो इन्होंने कहा कि आप बड़ी अच्छी बनाते हो, बड़ी अच्छी, मतलब कुल मिला गया, मेरे से कुकिंग करवानी थी और कुछ नहीं। फिलहाल मैं बना रहा हूँ मैगी और रिया बनी हुई है मेरी कैमरा मैन। अगर शूट अच्छा नहीं लिया हुआ ना बेटा, खत्म। अच्छा अब चल ठीक है, वैसे ही तो चल जाके मुंह धोले, मैं बना दूंगा ठीक है पूरी की पूरी मैगी, और फिर टेस्ट करके बता रहा कि मैगी कैसी बनी है। जो 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 मैगी खाएगा बेटा, मैगी खाएगा जो जो। हाँ जी दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं गर्मा गर्म मैगी हो चुकी है रेडी, और हम कैसे कैसे खा रहे हैं। देखो कबू बेचारी इसमें ही खाई जा रही है, इसमें नहीं खाते है, बट एक्चुअली बर्तन कम है यहाँ पे। रिया कैसी बनी है मैगी? हमेशा की तरह बहुत टेस्टी, टेस्टी बनी है, स्पाइसी है थोड़ी, बहुत ज़्यादा, है ना। तुम भी खा लो मैडम, ये देखो ये चाकू ले, चाकू लेके बैठे हैं खाने के लिए। मैं तो ये तो ये बिना स्पून को ऐसे यूज कर रहे हैं, मैं इसको ऐसे यूज करूंगा। जो जो बेटा तू मैगी मत खा, स्पाइसी है ठीक है। तो दोपहर के दोस्तों लगभग 1 बज चुके हैं, और पूरा खाना वाना खा के, मैगी वैगी खा के सारे लोग रेडी होके हम अभी बैठ चुके हैं गाड़ी में। तो टाइम है निकलने का। शिवानी कितना टाइम लगता है यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए? बैजनाथ से 5 घंटे, तो यहाँ से हम 6-7 घंटे मान के चल सकते हैं, 7 घंटे, राइट, 7 घंटे यहाँ से लग जाएंगे। आज बड़े दिनों का चिंगम खा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खट्टा खाया था दोस्तों, और खट्टा खाने में मिर्ची इतनी ज्यादा लगी ना कि पूछो ही मत। कपड़े तो चेंज कर लेने थे शिवानी, मैंने तो कपड़े चेंज है, नहा दो ये देखो, पता चल जाएगा कौन कितना चेंज करके बैठा है। और इधर देख लो जनाब को, मेरे कपड़े चेंज नहीं है, तुम सिर्फ बाल गीले करते हो, मुंह धोते हो, मुंह भी नहीं धोते हो। और एक बुरी चीज होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो पहले मैं ऐसे बड़ा सर धज के बैठा हूँ, लेकिन नीचे देखोगे तो आप नंगे पैर बैठो, क्योंकि बेला ने जो है ना वो मेरे शूज दोस्तों फाड़ दिए हैं, और इतने गंदे तरीके से फाड़े हैं पीछे से, ये देखो इनकी हालत क्या कर रही है। ये तो शुक्र शुक्र मनाओ कि कहीं धर्मशाला में हुआ, अदरवाइज कहीं और होता तो नंगे पैर आना पड़ता मुझे। मेरे भी पल्लू के रूम में जो शूज़ रखे थे वो भी फाड़ दिए हैं, और शिवानी ये बोल रही है कि सारा का सारा जो क्लेम है आप शूज़ का, कम से कम कितना बन जाएगा शिवानी? आराम से 2000-3000 तो पे कर दोगे ना तुम, है ना? एक ही बात है। चलो फिर ठीक है, ट्रैवल करते हुए दोस्तों लगभग अभी 1 घंटा बीता है, लेकिन पता नहीं गाड़ी में बैठते ही ना मुझे क्या हो जाता है। अभी टाइम जो बता रहा है वो बता रहा है 9:30 बजे हम पहुंचेंगे भाई फाइनली अपनी लोकेशन के ऊपर, लेकिन उससे पहले ही ना गाड़ी में बैठते ही मेरे पेट में हो जाते हैं चूहे कूदने, और पता नहीं ये लोग तो बहुत अवॉइड करते हैं खाने को, क्या बोलते हो, कुछ खाना है आप लोगों को? नहीं। देखो इनका हमेशा मुंडी ऐसे रहेगा, नहीं नहीं शिवानी और तुम्हें नहीं खाना है, और शिवानी को क्या है ना, शिवानी इसलिए सैड है अभी, देखो उसको ऑफिस का काम मिला हुआ है नीचे, बेचारी ट्रैवल भी कर रही है साथ में ऑफिस का काम कर रही है, कितनी मेहनती है मेरी होने वाली दोस्त, समझ रहे हो ना कितनी ज्यादा मेहनत करती है, अप्रिशिएट करता हूँ मैं इसे, वाह ऐसे ही लगे रहना ठीक है। तो बाकी हाँ इंटरव्यू लो अभी, बस करते रहो कुछ ना कुछ पर, है ना, एक टाइम ऐसी जगह पे ध्यान मत देते रहो, नहीं तो मेरे को तो खतरा दूसरा भी है भाई, वो कबू और रिया वाला बाद में ये शुरू हो जाते हैं, वह एक उस बारिश है और एक उस बारिश से। खैर दोस्तों खाने में क्या खाएंगे भाई जी, आप बताइए भाई। नान हम दोनों के फेवरेट है नान, और शिवानी तुम भी खाओगे? ये खाएगी नहीं मुझे पता है, ये मतलब पीछे तीनों सवारियां, पूरा का पूरा खर्चा बच जाता है हमारा ठीक है खाने का, जब भी ट्रैवलिंग करते हैं खाली हम लोग ही खाते हैं, तो अभी कोई अच्छी सी नान की दुकान ढूंढेंगे और वहां पे नान खा के और फिर कंटिन्यू चलेंगे। खाने के लिए दोस्तों नान तो कहीं मिला नहीं, लेकिन यहाँ पे बिरयानी वाले थे, बिल्कुल वैसे बिरयानी वाले जो मूवी में होते हैं ना कौवा बिरयानी, तो सारे के सारे लोग बोल रहे हैं कि कौवा बिरयानी खा ही लेते हैं, खाएंगे बिरयानी में, तुम्हें भी खानी है 5 रुपए में, 5 रुपए वाली कौवा बिरयानी, आ जाओ खाएगा कोई कौवा बिरयानी? बोयला और जोजो तो पहले से एक्साइटेड हो जाते हैं। एक से मन नहीं भरा क्या, एक और मंगा ली तुमने?
पेट देखना जरा, ये देखो ये इसका गवाह कितना ज्यादा खाता है। आधी प्लेट मैंने जोजा को दे दी, आधी प्लेट बेला को दे दी। ये एक्चुअली गुन्नू तुम्हारी एक प्लेट खा रहा है ना ये? हाँ। गुन्नू और कबू ने एक ही प्लेट शेयर करी है और उनकी एक प्लेट तुम खा रहे हो। क्या हो गया, आधा तुम भी तो मांग रहे हो कैमरा के पीछे। कितना झूठ बोल रहा है ये। लो ये लो, चलो इसी बहाने मुझे कुछ तो मिला। दोस्तों आप देख सकते हैं चांद कितना ब्यूटीफुल निकला है, लगभग अभी रात के 8 मतलब यहाँ पे देख सकते हैं 7:40 हो गए हैं और पीछे देखो सॉन्ग चल रहे हैं। क्या बढ़िया हो दोस्तों, ठीक हो? ओके जो जो ठीक हो? ये भाई अभी कैमरा ऑन हुआ है दोस्तों, तभी जाकर जो है कहीं थोड़े सॉन्ग सॉन्ग प्ले कर रहे हैं। और सच्चाई क्या थी कि पूरा का पूरा रोड ऐसे सोए हुए थे, ऐसे दूसरे कंधे के ऊपर सर से सर रख के। कौन है चांद, जोर से सुनाओ जरा। मैंने कब कहा, मैंने कब और सोचा अपने बारे में ऐसे? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, ठीक है? मेरे मन में कोई लड्डू नहीं फूट रहा, नो लड्डू। ऐसे बोलते हैं ऐसे। खैर दोस्तों, इन लोगों से बात करना मतलब अपनी बेइज्जती करवाना एक बराबर ही है। बाकी बाहर से ना धूल आ रही है इतनी ज्यादा यार, कपड़े ही मेरे को लगता है गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ऐसे हो जाएंगे ना कि देखो पहचान नहीं पाएंगे भाई वहां तक पहुंचते पहुंचते। एंड भाई जैसे हम पहुंचेंगे कुल्लू में, आज रुकने का प्लान है तो कुल्लू में मैं आप लोगों को मिलाऊंगा एक स्पेशल इंसान से, तो व्लॉग में बने रहना। दोस्तों रात के लगभग 9:30 बज रहे हैं और सही बताऊं तो रास्ते में जाते जाते मुझे बिल्कुल ही भूल गया था कि यार मेरे शूज़ जो फटे हुए हैं, फटे हुए शूज़ पहन के मैं कैसे जा सकता हूँ। तो ऐसे में भाई अभी आप देख सकते हैं नए नए शूज़ लिए हैं कुछ इस तरह के, ठीक है? आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आए होंगे। बाकी एडिडास वालों का स्टोर खुला था रात का, वुडलैंड वालों का स्टोर खुला था, तो ऐसे में भाई यहीं पर शॉपिंग करनी भाई सारी की सारी। तुम क्यों हंस रही हो आप बोलो? मेरे को हाँ तो भूल गया, ठीक है बाद में तो याद आ गया ना, बुडलैंड था लास्ट टाइम एडिडास में लिए थे ना, तो एडिडास याद आ गया। तो गाइस फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूं यार होटल रूम में और बार बार भाई इन शूज को ना हाथ में लेके देख रहा हूं, क्योंकि दोस्तों सच बताऊं तो मेरा कोई भी प्लान नहीं था वुडलैंड के स्टोर पे जाकर और इतने पैसे खर्च करने का, क्योंकि इनका जो प्राइस है मुझे लगभग 5,500 के जूते पड़ गए। और सच वाली फीलिंग बताऊं दोस्तों तो ऐसे ऐसे ना मैं 5 से 6 बार शूज ले सकता था, लेकिन बोलते हैं ना कि कहीं जब आप मजबूरी में फंस जाते हैं तो फिर मतलब क्या ही बोले दोस्तों, कुछ ऐसा ही सीन मेरे साथ भी हो गया। जैसा कि मैंने आपको व्लॉग में पहले कहा कि मैं आपको एक स्पेशल बंदे के साथ जो इस व्लॉग में मिलाने वाला हूं, तो अभी मैं उस बंदे के पास ही जा रहा था, लेकिन दोस्तों रास्ते में मुझे ये याद आया कि यार मैंने शूज तो कहीं लिए ही नहीं और मेरे शूज फटे हुए हैं, और ऊपर से भाई अब दुकान भी एक ही खुली थी जो थी वुडलैंड की थी, और अंदर सब्सक्राइबर मिल गए भाई जो बेच रहे थे ना, तो उन्होंने मतलब आते ही ये भाई बोलते ये देखो आप ये देखो 5,500-8,000 के, और मैं ऐसे ढूंढ रहा हूँ, मैंने कहा 400-500 वाले की मिल जाए, पर नहीं, अब फिर करे तो करूँ क्या। मैंने कहा यार जिस बंदे से मिलने जाना आ गया ऐसे जाऊंगा मैं ऐसे फटे जूते, बोले ये हिमाचल वाला कैसे आ गया है ना। तो खैर अब ले लिए तो ले लिए, जो होना तो हो गया, अभी थोड़ा बहुत फ्रेश होता हूँ और उसके बाद चलते हैं भाई अपने दोस्त के रूम में। तो लो जी फाइनली गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपने भाई के पास। तो बहुत से लोग जो है वो आप में से जानते होंगे, भाई का नाम है सिराजी। और बाबा ये बताओ 1 साल से गायब हो, कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो? मस्ती में 1 साल से भाई, आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में। तो भाई मैं ना अपने यूट्यूब का क्या बोलते पासवर्ड भूल गया हूँ यार, तब नहीं डाल पा रहा हूँ। भाई ये तो गलत ही हो गया भाई के साथ, सच में ऐसा हुआ है क्या या झूठ में? मैंने कहीं रखा तो है, मेरे को जैसे ही मिलता है गाना आ जाएगा। ऊपर से भाई आप लोग देख ही सकते हो आजकल ना थोड़ा 1 साल से गाने वाने नहीं गाए, तो ऐसे में हेल्थ भी जो है वो काफी अच्छी हो गई है, पहचाने नहीं जा रहे। मैं पहले ऐसे देख रहा हूँ, मैंने कहा यार सिराजी होगा, फिर समझ लो ऐसा कि हो सकता है साथ में मिल के कुछ करेंगे। करना है बाबा, करना है धमाल। कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे है पूरा का पूरा सिराजी भाई का स्टूडियो सेटअप, और ये रहा भाई माइक वाइक। तो देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में कोई गाना वाना करेंगे शूट, अगर हो पाए। मेरे को वैसे गाना आता नहीं, बट एक आर्टिस्ट जो होता है ना भाई वो तो संभाल सकते हो ना बाबा अच्छे से? हाँ पक्का श्योर। चलो बाकी दोस्तों अभी बैठते हैं थोड़ी देर, उसके बाद वापस
होटल में जाना पड़ेगा क्योंकि उन लोगों के लिए भी खाना पीना और भाई बंसरी बंसरी लेके पूरे भाई श्री कृष्ण वाली फीलिंग ले रहे हैं आजकल। क्या बात है, है क्या मतलब सच में क्या हुआ था सर, एक साल नहीं आए गाने, बड़े लोग बोल रहे थे भाई कहाँ है कहाँ है कहाँ। वो मैं अपनी अगली एल्बम के ऊपर काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को सॉर्ट आउट होने में, फिर ऐसा मैं मतलब जल्दबाजी वाला सीन नहीं है कि कर ही देना है रिलीज आराम से ठंडे तो आएगा वही है। तो खैर दोस्तों कुछ इस तरह आज पूरा का पूरा ये दिन था। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भूले, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, भगवान करे आपका समय शुभ हो, टेक केयर एंड बाय बाय।